हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टीम जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं ड्रीम 11 पे, और ये जो होगा पहला वीडियो होगा कि टीम जो है वो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये बहुत ही सिंपल तरीका होगा, बहुत ही ईजी होगा और बहुत ही अच्छी टीमें जो है आप इस मेथड से बना सकते हो। इसके अलावा जो हम लोग आगे भी जो है वो अलग अलग मेथड डिस्कस करते रहेंगे, जिसके सारे जो है एक अच्छा सा जो है टीम आप बनाने के लिए काफ़ी जो है वो यूज़फुल हो जाओगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि क्या जो है वो किस तरीके से टीम हमें बनाना चाहिए और कैसा टीमें जो है हमें लेके चलना चाहिए। तो इस चीज़ का जो है आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि सबसे पहला मेथड जो है वो क्या आता है, तो देखो सबसे पहला जो मेथड और सबसे ईजी मेथड आता है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई जो है वो टीम बनाना शुरू करता है, जब भी कोई भी जो है वो कोई भी टीम जो है बनाता है, तो एक चीज़ का जो है वो होता है या तो मैसेज जो है वो लीग का पहले से हो रखा है या फिर जो है उसका होने वाला है। अगर होने वाला है तो आपके पास प्लेयर का जो है कोई अंदाज़ा नहीं होता है, और अगर हो रखा है तो आपको ऑलमोस्ट बहुत सारा जो है वो आइडिया होता है उस टीम के बारे में कि टीम जो है वो कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से जो है वहाँ पे बना सकते हैं। तो इस चीज़ का जो है आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अभी जो मैं हूँ आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि जो भी टीमें पहले से जो है बना रखे हो या पहले से जो है आपने देख रखा है, पहले से जो है वो आपको टीम में मैसेज हो रखी है, तो उसमें क्या होता है कि हमें प्लेयर्स के बारे में जो है वो स्टेट्स मिल जाता है। अब देखो अगर थोड़ा बहुत टाइम आप स्पेंड करोगे टीम बनाने के लिए, तो अगर आप टीम बनाते हो तो आप जो है एक अच्छा टीम बना लोगे, जिसके सहारे आप जीएल तो नहीं जीत पाओगे, ये मैं पहले ही आपको बता दूँगा, जीएल आप नहीं जीत पाओगे, लेकिन हाँ उसके सहारे उस टीम के सहारे जो है आप कोई भी जो है वो स्मॉल लीग खेलोगे, हेड टू हेड खेलोगे, वो बहुत ही आराम से जीत जाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे खेलते हैं जिनमें जो है वो बेसिक टीमें भी जो है वो नहीं बना पाते हैं, तो अगर थोड़ा भी बहुत आप मेहनत करोगे तो जो है वो सारी टीमें आप बना पाओगे। अब कैसे, तो वो क्या होता है, देखो ये होता है कि एक यूज मैच में कैसे बनाना है। अगर यूज मैच में जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल के मैसेज जो है आप लगातार देख रहे हो, अब जो मैसेज आप लगातार देख रहे हो उसके बारे में जो आपको बहुत सारा आइडिया होता है, आपको पता होगा कि कौन सा बॉलर कैसा है, किस तरीके से जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो इसको जो है आपको सबसे ज़्यादा ध्यानपूर्वक सबसे पहले जो है आपको कोई भी मैच जो है वो जब देखते हो तो ध्यान रखना कि विकेट ले रहा है तो कौन ले रहा है और वो कितना खतरनाक है, रन कितना दे रहा है, तो इस चीज़ का जो आप ध्यान रख सकते हो अगर थोड़ा बहुत आप पैसे इसे अर्न करना चाहते हो। तो आप देखो सबसे पहला तरीका आता है कि अगर आप नहीं भी अर्न करना देखना भी नहीं चाहते हो मैचेज, और आप चाहते हो कि अंदर लाना चाहते हो कि कौन जो है अभी तक अच्छा परफॉर्म किया, तो सबसे पहले आप टीम क्रिएट करने में आ जाना। और टीम क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे कि जो पहला तरीका होता है कि जो भी आपके पास दिखा रहा है यहाँ पे कि हाँ ये प्लेयर खेला है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करना देखो यहाँ पे दिखा रहा है गुरबाज का जो है देखोगे तो 144 पॉइंट है, इन्होंने जो है अभी तक फैंटेसी में अर्न कर रखा है पूरा। इसके अलावा देखोगे यहाँ पे तो जगदीशन का जो है वो 19 है, इसके अलावा देखोगे यहाँ पे तो जो है वो यहाँ पे 52 है, इस तरह हेनरी खनासिन का देखोगे तो 4 है, इसके अलावा दिन फ्लिप का देखोगे तो आपको दिन 14 है। तो आप इनमें से जो है आपको किसको पिक करना है, ये चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यानपूर्वक रहता है। देखो अगर हम लोग लेके चलते हैं पॉसिबिलिटी पे, पॉसिबिलिटी अगर आपको जो है स्किल्स नहीं पता कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है तो पॉसिबिलिटी आप देख सकते हो। तो हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी में आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे आप इसके ऊपर जो है क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि जो गुरबाज है ये 3 मैचेस जो है खेला है, एवरेज पॉइंट जो है वो 48 है, और ड्रीम 11 टीम में जो है 66% चांसेज है कि ड्रीम 11 टीम में जो है वो रहता है बंदा। तो अगर ऐसा कोई जो है आपको देखने को मिला जिससे 66% चांसेज है और लगातार 3 जो मैचेज है उन तीनों मैचेज में आप देखोगे कि कितने में जो है ये रहा है ड्रीम 11 में, तो आप देखोगे तो पहले पॉइंट में जो है वो ड्रीम 11 में शामिल था, दूसरे में शामिल था, तीसरे में जो है वो नहीं शामिल था। तो ये सीनरीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तीसरे में नहीं शामिल था लेकिन बाकी 2 में शामिल था। तो आप इस हिसाब से आप देख सकते हो कि अगर 2 में से 3 में है तो अगले में भी जो चांसेज बढ़ सकता है, तो आप उस हिसाब से जो है यहाँ पर पिक करके चल सकते हो। तो अभी के लिए जो हम लोग क्या कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं। इसी तरह हेनरी क्लासिन को लास्ट मैच खिलाया गया था, आप देखोगे परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा था, तो वैसे सीनरी में जो है आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जो है वो एलिमिनेट कर सकते हो, या फिर अगर हेनरी क्लासिन का जो बैटिंग था वो गलती से आउट हो गए थे, रन आउट हो गए थे, या परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा था, तो वो चीज़ के लिए आपको मैच देखना पड़ेगा कि हाँ वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था कि नहीं कर रहा था वहाँ पे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह जगदीशन का देखोगे तो क्या है कि एक जो है मैच खेले 19 पॉइंट और जो है वो डिम डिम में आए नहीं, और 19 पॉइंट से जो है वो नहीं आ सकता कोई भी, तो अगर परफॉर्मेंस जो है आपको लग रहा है कि मैच ही अच्छा कर रहे थे लेकिन हाँ गलती से आउट हो गए या फिर अच्छा परफॉर्मेंस जो वो दे नहीं पाए, तो उस स्टेडियम में जो है आप चाहो तो रख सकते हो अपने टीम में, क्योंकि आने वाले टाइप पर एक अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है अगर वो बैट्समैन जो है वो ऐसा लगता है एक प्रोमिसिंग बैट्समैन है, तो आप ले सकते हो कि हाँ वो जो है आ सकता है डिम 11 टीम में।
इसी तरह से अगर बात करें हम यहाँ पर त्रिपाठी को देखते हैं ना, त्रिपाठी को देखो कितना है, सेम चांसेस है और एवरेज पॉइंट देखो कितना है, 51 जो है आपको एवरेज पॉइंट है, क्योंकि लास्ट मैच में जो है वो 100 आया है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि देखो जो एटलीस्ट जो है अगर 3 मैचेस खेला है तो 2 में आया होना चाहिए, तभी जो हमारे टीम के लिए जो है वो प्रीफर होगा। ऐसा नहीं कि वो एक ही में जो है वो सब कुछ लेके आया है और बाकी 2 में नहीं आया, तो चांसेस थोड़ा सा जो है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर एक में रिसेंट में लेके आया है तो चांसेस ज़्यादा रहता है कि वो जो है हमारी ऐसा परफॉर्म करेगा। नीतीश राणा की बात करते हैं तो देखोगे तो रिसेंट के जो है वो देखोगे तो 2 मैचों में से रिसेंट में जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आया है, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ इसमें जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, तो ये भी जो हम लोग पिक कर लेते हैं। इसे अगर रिंकू सिंह की बात करते हैं, रिंकू सिंह के देखोगे तो सारा न्यूज़ में जो चर्चा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है और ड्रीम टीम में देखो तो 2 बार जो है वो ड्रीम टीम में लगातार जो है वो आते हुए आपको नज़र यहाँ पर आ जाएगा। तो आप जो है ये पिक कर सकते हो कि यहाँ पर जो है जिस तरह से चर्चा चल रहा है अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। वेंकटेश अय्यर का देखोगे तो ये इम्पैक्ट प्लेयर जो है यूज़ हो रहा है, लेकिन देखोगे 2 मैचों में से तो ये जो है एवरेज देखोगे तो काफ़ी अच्छा है इनका, और देखोगे तो पॉइंट जो है लास्ट मैच में कितना जो बढ़िया पॉइंट लाए थे, यहाँ देखो उससे पहले कितना बढ़िया जो है पॉइंट था, तो अभी ऑन एवरेज देखोगे तो 57 का जो एवरेज है। तो अगर ये है डिम टीम में आप पिक करते हो, देखो आप एक मैच में ऐसा हो सकता है कि पिक करो तो ना रन बने या जो है वो आउट हो जाए और कुछ ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए 7 पॉइंट 8 पॉइंट जो है मिल लेके चला जाए, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो नहीं पिक करना, अगले मैच में फिर पिक करना, क्योंकि अगर जो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस दे रहा है वो जो है आपको परफॉर्मेंस दे सकता है 1-2 मैच में। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक टीम लगाओगे और जीत सकते हो, आपको जो है कंटिन्यूस अगर प्रॉफिट आपको अर्न करना है तो आपको जो है बहुत सारी टीमें जो है वो आपको हर मैच में जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे, अपने हर मेथड से एक मेथड यूज़ करना, मैं बहुत सारे मेथड डिस्कस करूँगा एक एक दिन करके, तो एक मेथड का यूज़ करना और उस मेथड के जरिए जो है आप बहुत सारी टीमें जो है वो बनाते चले जाना, कि अगर किसी एक ही मेथड को फॉलो करके जो है वो सारी टीमें जो है रूल लगा रहे हो तो चार्जेस ज़्यादा रहेगा कि आप जो है एक अच्छा खासा अर्न कर लोगे। अब इसी तरह ऑलराउंडर में जो हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखो हमारे लिए जो है वो नरेंद्र का जो है देखोगे एवरेज देखो कितना बढ़िया है, तो हमने नरेंद्र को लिया है। रसल को देखते हैं तो रसल का एवरेज देखो कितना है, 21 है और डेवलपमेंट चांसेस में जो है वो देखो तो काफ़ी कम जो है वो रहा है, तभी कि हमने छोड़ देते हैं। इसी तरह हम लोग ठाकुर को देखते हैं, ठाकुर को देखोगे तो देखो वो एक मैच में जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, उसके बाद से परफॉर्मेंस जो है देखोगे तो यहाँ पर देखो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, एवरेज की नेगेटिव में ही जो रहा है, तो अभी के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। और एडन मैकम की बात करते हैं तो ये भी देखोगे तो लास्ट मैच में जो है उससे पहले वाले मैच में एक अच्छा पॉइंट नहीं था, लेकिन अभी के लिए जो एक अच्छा पॉइंट है और जिस तरह का पिच है उनके हिसाब से एक अच्छा रह सकता है, तो हम लोग ले लेते हैं। इस तरह मार्को जेंसन का देखते हैं तो देखोगे लास्ट मैच में जो है वो केवल एक ही मैचेस खेले और 78 पॉइंट और 100% जो है टीम में टीम में एक ही मैचेस खेले, तो आप जो हम लोग पिक कर सकते हैं कि ये प्लेयर जो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। और इसी तरह हम लोग देखते हैं बॉलिंग में, तो बॉलिंग में देखोगे तो आपको जो है यहाँ पे उरमान बंदी के देखोगे तो 3 मैचों में 59 जो है वो क्या है यहाँ पे एवरेज है और 66% जो है चांसेस यहाँ पे रहता है, तो हम लोग जो है ये ले लेते हैं। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं वरुण चक्रवर्ती के देखोगे तो वरुण चक्रवर्ती के देखोगे 65 पॉइंट है, लेकिन लास्ट मैच में देखोगे तो बहुत ज़्यादा जगह मार पड़ी थी, लास्ट मैच में पॉइंट जो कुछ नहीं मिला था, ये निगेटिव में गया था। चांसेस देखो कितना है, 36% है। तो अब देखो अब चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं कि केकेआर के ग्राउंड पे जी बहुत ऐसा परफॉर्मेंस किए थे, तो उस ग्राउंड पे देखोगे तो एक ग्राउंड पे बहुत ही ऐसा परफॉर्मेंस था, केवल एक ही मैच परफॉर्मेंस है, तो अगर आप यहाँ पर पिक करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन उससे पहले के मैच में देखोगे तो एक अच्छा पॉइंट तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखो पॉइंट ठीक ठाक मिला था, लेकिन ड्रीम टीम में जो है वो नहीं थे, तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप पिक करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि इसके अलावा जो है आप यहाँ पे सुनील शर्मा की बात करते हैं तो लास्ट मैच में जो है इनको पॉइंट जो है वो ठीक ठाक मिला था यहाँ पर देखोगे, लेकिन ड्रीम टीम में नहीं थे, उससे पहले देखोगे तो एक अच्छी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट मिला यहाँ पे, टोटल 83 पॉइंट मिला और वो भी केवल बॉलिंग से, यहाँ पर देखो तो पॉइंट जो मिला है वो केवल बॉलिंग से मिला है और ये जो 2-3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा लग रहा है ये जो है फील्डिंग के हिसाब से मिला होगा। तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर किसको जो आप पिक कर जा रहे हो, किसको जो आप नहीं पिक करोगे, ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, बस थोड़ा सा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उस टाइम के हिसाब से जो आप अपने लिए एक अच्छा टीम जो है वो बना सकते हो कि कौन सा जो है एक अच्छा टीम है। अब देखो मैंने ये जो चीज़ें आपको बताया है इस चीज़ का जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है, और ये चीज़ का ध्यान कैसे रखना है कि देखो अगर आप एक ही मेथड फॉलो करोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि जीत जाओगे। अगर कभी देखो इस हिसाब से जो आप टीम बना रहे हो और कभी किसी और हिसाब से टीम बना रहे हो तो वैसे सीनरी में आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर एक ही मेथड को कंटिन्यूस फॉलो करोगे तो चांसेस ज़्यादा रहेगा कि आप जीत जाओगे, लेकिन अगर एक ही मेथड को कंटिन्यूस नहीं फॉलो करोगे तो ज़्यादातर चांसेस रहेगा कि हर मेथड से जो है वो आप कभी एक में हारोगे कभी एक में जीतोगे। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि देखो कितने भी मेथड जो है वो आप अपनाते हो वो यूज़ करते हो, सिर्फ एक मेथड को जो है हमेशा फॉलो करो और उसी में जो है किसी ना किसी दिन जो है आप अच्छा टीम बना लोगे और जीत जाओगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं हमने कैप्टन वाइस कैप्टन का, तो अभी तक जो भी आपने स्टेट्स देखे हैं उस स्टेट्स के हिसाब से आपने प्लेयर सेलेक्ट किया है, तो आप कोशिश करो कि उसी स्टेट्स के हिसाब से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप जो है अपनी टीम में जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो।
और उसी के हिसाब से जो है आप अपना यहाँ पे जो टीम है उसको बना सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और उसके लिए से क्या हो जाएगा कि आपको जिस तरीके का जो है परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है उसमें आपको पता चल जाएगा कौन जो है आपके लिए बेटर परफॉर्मेंस है दे रहा है, कौन जो नहीं दे रहा है। तो यहाँ से जो आप सारी चीज़ें जो देख सकते हो और बहुत ही तरीके से एक अच्छा टीम आप बना सकते हो। तो आपको यूज़फुल हुआ होगा। इन तब सभी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।